हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हैव ए वंडरफुल डे। कल के लेक्चर में हमने विलियम ब्लेक की फेमस पोइम द लैम के बारे में पढ़ा था। आपको लैम से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। विलियम ब्लेक कि जो पोइम है लैम थी वो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का पार्ट थी, और उसमें किस तरह से जीसस क्राइस्ट को उन्होंने बताया है, इन सब ये चीज़ हमने किस तरह से कंपेयर करके, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में क्या था, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में क्या था, ये चीज़ें दोनों कंपेयर करके हमने समझी हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है तो शायद वो बहुत ईजी लैंग्वेज में पोइम थी आपकी, क्योंकि वो चाइल्ड के सॉन्ग के फॉर्म में पोएम थी, वो सब क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट थी। बस उसमें जो सेकंड स्टैंडर्ड था वो स्पिरिचुअल फॉर्म में था, तो उसका मीनिंग हमें समझना आना जरूर था। तो जो इस पिक्चर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है वो हमारे विलियम ब्लेक की है। विलियम ब्लेक प्री रोमांटिक पीरियड का बहुत ही जाना पहचाना नाम है, और उनकी लाइफ और उनकी जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ के जो प्रति उनका डिवोशन रहा है, उसके लिए हमें विलियम ब्लेक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विलियम ब्लेक ये बॉर्न हुए थे 1757 को, और इनकी डेथ हुई थी 1827 जब ये 17 ईयर्स के थे। इनको सबसे ज़्यादा ये था कि इनकी जो लाइफ में है, पूरी लाइफ टाइम में इनको कभी भी कोई भी फेम नहीं मिली, इनको अपनी डेथ होने के बाद में फेम मिली थी, और इसलिए इन्होंने अपना पूरा लाइफ एक दो कमरों के में स्पेंड किया, और इन्होंने बहुत गरीबी में अपना लाइफ टाइम स्पेंड किया। इन्होंने एक लेडी से शादी भी की थी कैथरीन बुचक, और लाइफ टाइम तक ये उसी के साथ में रहे थे। वो इलिटरेट थी, उसको ये पढ़ाते हैं और वो बाद में इनकी हेल्प करती है। ये बहुत ही अच्छे पेंटर भी रहे हैं, और इनका डेडिकेशन गोथिक आर्ट के प्रति ज़्यादा था। तो अब हम विलियम ब्लेक के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि विलियम ब्लेक थे कौन, उनकी क्रिएशंस कहती थी किस चीज़ का उनके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और इसके अलावा उनकी जो क्रिएशंस हैं उनमें वो किस चीज़ को बता रहे हैं, वो कैसी क्रिएशंस लिखते हैं वो। तो यहाँ हमारी विलियम ब्लेक हैं। विलियम ब्लेक ये 19th सेंचुरी के पोइट हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और ये प्री रोमांटिक एज से बिलोंग होते हैं। ये इन्होंने लिखना मतलब इनकी अर्ली एज से स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा इन पर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड जो इन्फ्लुएंस बोलते हैं वो बाइबल का रहा है। इनकी क्रिएशनों में ये बात हम इजीली देख सकते हैं। जो पोएम आपने लैम पढ़ी थी उसमें भी आपको पता है चाइल्ड भी और जो लैम है, दोनों को इन्होंने जीसस क्राइस्ट से एसोसिएट किया था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इनके ऊपर बाइबल का और बाइबल की जो इवेंट्स हैं उनका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ही ठीक है, इनकी जो जितने भी वर्क हैं उनकी लाइफ टाइम से ये नेगलेक्ट हुए थे। इसका रीज़न ये था कि उस समय जो जितने भी सर्कमस्टेंस थे वो इस तरह से थी, थोड़ी अपोजिट थी रिलीजन के, तो उस और ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, तो इस चीज़ों की वजह से ये नेगलेक्ट हुए थे। उसके बाद में इनके फेमस वर्क हैं, एक तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 को पब्लिश हुआ था, और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794 को पब्लिश हुआ था। इसके अलावा जो इनकी फेमस जो बायोग्राफी है वो गिलक्रेस्ट के द्वारा लिखी गई है, लाइफ ऑफ विलियम ब्लेक नाम से फेमस है। अब हम इनकी दो पोएम है जो इनकी फेमस पोएम है, इनकी जो पोएम है उनमें हम नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लव ऑफ एनिमल भी सो होता है, और ये जो गॉड है उसकी भी एडमायरर रहे हैं। तो इसलिए इनकी पोएमों में सारी चीज़ें दिखती हैं, एक तरह से सभी चीज़ों को उस टाइम की जो जितने भी चीज़ें नेचर हो या फिर एनिमल के प्रति हो या फिर ब्यूटी हो, सभी चीज़ें हमें दिखती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, उसमें सिंपल लाइफ से रिलेटेड जो सिंपल लोग हैं उनसे रिलेटेड पोएम मिलती हैं। एंड जिनकी सेकंड पोएम थी वो उनकी मिलती हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, उस समय जितने भी सोशल जितने भी उस तरह की जो मतलब उनकी नफरत थी या जो गॉड की अदर क्रिएशन थी, हॉरिबल क्रिएशन थी, उनके बारे में है। दोनों ही जो पोएम है एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों में ही एक तरह से अपोजिट चीज़ों को डिफाइन किया है। विलियम ब्लेक उनको अपने लाइफ में भले ही उनका मतलब जो फ्रूट किया उन्होंने जो हार्डवर्क किया था
बर्न, तो वो उनका जो मन, जो उनका हार्डवर्क था वो उनको उनकी लाइफ के टाइम में तो नहीं मिला, बट वो मरने के बाद में उनको फेम बहुत मिलती है। इनकी फेमस पोइम लंदन है, जो हमारे सिलेबस के पार्ट रही है, वो लंदन पोइम है, जो आपके थर्ड ईयर का पार्ट होगी। सेकेंड ईयर का पार्ट तो थी ही, लेकिन अब वो सिलेबस चेंज होने की वजह से वो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। लंदन पोएम में वो लंदन जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, उनको बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे वो जो जो बुराइयाँ हैं, इबिल्स हैं, वो उसी सोसाइटी का एक पार्ट है। इसके लिए वो अलग अलग जो जो पर्सन यूज़ करते हैं, जैसे सोल्जर्स यूज़ करते हैं, प्रोस्टिट्यूट बताते हैं, जो हमारे हार्ट को मतलब बहुत ज़्यादा टच करता है कि किस तरह से सोसाइटी ही उस उन लोगों की जो परेशानियों को जन्म देती है। इस तरह से ये आपके विलियम ब्लैक हैं, जो जो हर चीज़ को क्रिश्चियनिटी मतलब जो क्रिश्चियन जो जो जीसस क्राइस्ट है उनके वैल्यू से कनेक्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका।